Hello students, how are you all? I hope you all are fine and staying safe at your home. I'm Sakshi, your computer teacher. So in earlier classes, we have started the chapter 1 of your computer book, that is Computer, a System. Okay, in this we have studied the fields where computers are used. Okay, and we have also learnt about hardware, right? और हमने किए थे कंप्यूटर के मेन पार्ट्स लाइक मॉनिटर एंड सीपीयू. सो मॉनिटर के भी मैंने आपको पार्ट्स करवाए थे कि हम किस किस टाइप के मॉनिटर को यूज कर सकते हैं, ठीक है. और मैंने आपको सीपीयू के भी पार्ट्स कराए थे, राइट. सो आई होप आपने अच्छे से रीडिंग कर ली होगी चैप्टर की. आज हम इसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी चैप्टर को. आज हम रीड करेंगे कीबोर्ड के बारे में. कीबोर्ड क्या है स्टूडेंट्स? कीबोर्ड भी एक हार्डवेयर है. कीबोर्ड को हम क्या कर सकते हैं? देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, कीबोर्ड का यूज हम क्यों करते हैं? कीबोर्ड का यूज हम करते हैं डेटा एंटर करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं टाइपिंग के लिए. ओके, सो कीबोर्ड में क्या होती है? कीज. कीबोर्ड में क्या होते हैं? बटन्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कीज बोलते हैं. ओके, सो कीबोर्ड में क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कीज होती हैं, लाइक नंबर कीज भी होती हैं, जिन कीज पे क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं. अल्फाबेट कीज, जिन कीज पे अल्फाबेट होते हैं. और कुछ होती हैं स्पेशल कीज, लाइक जिन पे क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं. ओके, और कीबोर्ड में होती है कंट्रोल की, फंक्शंस की, नेविगेशन कीज. ओके, सो हम अभी इसके बारे में बुक में से रीड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज ओपन योर बुक्स. स्टूडेंट्स, वी आर ऑन पेज नंबर 8, कीबोर्ड. ये किसकी पिक्चर है? कीबोर्ड की पिक्चर है. इसमें क्या है? कीज है. ये अलग अलग कीज इसलिए यहाँ पे शो की हुई है जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाए कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कीज हैं. ओके, जैसे कि जो येलो कीज है वो है टाइपिंग कीज, जिसे आप अल्फा न्यूमेरिक कीज भी बोलते हैं. जो रेड में है वो है कंट्रोल कीज. जो यहाँ पर मैरून में है ये है फंक्शन कीज. और जो ग्रीन में है वो है नेविगेशन कीज. और जो ब्लू में है वो है न्यूमेरिक कीपैड. कीबोर्ड. अ कीबोर्ड इज़ यूज टू टाइप डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर. जब हमें कंप्यूटर के अंदर डेटा को या इंस्ट्रक्शंस को टाइप करना होता है तब हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं. द कॉमनली यूज कीबोर्ड हैज़ 104 कीज विच कैन बी डिवाइडेड इनटू मैनी ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस. सो एक कॉमन कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं. इसे अंडरलाइन कीजिए स्टूडेंट्स. ओके, जिसको क्या है? ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस. ओके, सो फर्स्ट है टाइपिंग कीज. फर्स्ट इज टाइपिंग कीज, जो आपको यहाँ येलो में दिख रही हैं. दीज आर टाइपिंग कीज. दीज कीज इंक्लूड लेटर्स, मींस अल्फाबेट्स. इनमें क्या होते हैं? लेटर्स. जिन कीज पे लेटर्स मेंशन होते हैं वो होती हैं अल्फाबेट कीज. नंबर कीज, जिन पे नंबर्स मेंशन होते हैं. पंक्चुएशन, जिनमें ये पंक्चुएशन सिंबल्स मेंशन होते हैं. एंड स्पेशल सिंबल्स, स्पेशल सिंबल्स लाइक प्लस, माइनस, कोमा, सिंबल्स लाइक डॉलर, एट. ओके, दीज कीज आल्सो इंक्लूड द शिफ्ट, कैप्स लॉक, स्पेस बार, बैक स्पेस एंड दी टैब कीज. और इन कीज में शिफ्ट की, कैप्स लॉक की, स्पेस बार की, बैक स्पेस की और टैब कीज भी ऐड होती है. जैसे कि देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है? कीबोर्ड है. ओके, इसमें ये क्या है? कई कीज पे क्या है? अल्फाबेट. कुछ कीज पे क्या है? नंबर्स. ओके, कुछ पे अल्फाबेट्स हैं, कुछ पे नंबर्स हैं. यहाँ पे देखिए टैब की, कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, स्पेस बार की. ओके, सो ये सभी क्या है? ये सभी हैं टाइपिंग कीज. नेक्स्ट इज कंट्रोल कीज. दीज कीज आर इधर यूज्ड अलोन
or in combination with other keys to perform certain actions. कुछ keys क्या होते हैं, control keys होते हैं जिन्हें हम combination में use करते हैं, या तो उन्हें हम single use करते हैं, alone use करते हैं, या फिर हम और keys के साथ combine करके उनका use करते हैं, like control, alt, windows logo key and the escape key are the various example of control keys. ये देखिए students, control key, alt key, ये क्या है, window logo key है, and this is escape key. Okay, so these are control keys. Next is function keys. These are used to perform specific tasks. ये keys किसी specific task को complete करने के लिए होती हैं. These keys are placed on the top row of the keyboard and labeled as F1 to F12. These keys have different functions in different programs.